हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमटीटी न्यूज़ के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। क्या आप जानते हैं कि पुलिस मोबाइल कैसे ट्रैक करती है? आपने अक्सर फिल्मों में टीवी में देखा होगा कि पुलिस बहुत ही आसानी से अपराधी का फ़ोन नंबर के जरिए ट्रेस कर लेती है। हालांकि आज के डिजिटल युग में इंटरनेट से कनेक्ट किसी भी डिवाइस का लोकेशन पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट डिवाइस का जीपीएस जरूरत पड़ने पर उसकी लोकेशन भी शेयर करता है। लेकिन अगर कीपैड मोबाइल हो और उसमें इंटरनेट जीपीएस का ऑप्शन ही मौजूद ना हो तो इसे ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस काम को सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुलिस किस तरीके से फोन को ट्रैक करती है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर नॉर्मल सा कीपैड फोन। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर किसी स्मार्टफोन को ट्रैक करना हो तो उसे इंटरनेट से कनेक्टेड होना आवश्यक है, साथ ही उस स्मार्टफोन का लोकेशन भी ऑन रहना चाहिए। इन दोनों के जरिए आम लोग भी फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन कीपैड मोबाइल में ना ही इंटरनेट होता है और ना ही जीपीएस, तो ऐसे में इसे ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसे आम यूज़र ट्रेस नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में पुलिस अपराधी के मोबाइल में मौजूद सिम नंबर को ट्रैक करती है। हालांकि सिम से भी अपराधी की सटीक लोकेशन नहीं मिलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस फोन नंबर को ट्रैक करने के लिए ट्रायंगुलेशन मेथड का उपयोग करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मोबाइल को ऑन करने के बाद सिम नेटवर्क टावर से कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद पुलिस को सिम कंपनी की मदद से एक अंदाजा मिल जाता है कि अपराधी किस सिम टावर से कितनी रेंज में है। आमतौर पर यह रेंज 2G फ़ोन के लिए अलग, 3G फ़ोन के लिए अलग और 4G के लिए अलग होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पुलिस को सिम कंपनी की मदद से पता चल गया है कि मोबाइल एक टावर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यह दूरी टावर के चारों तरफ होती है। ऐसे में इसकी और भी सटीक लोकेशन जानने के लिए पुलिस को मोबाइल के दूसरे नज़दीकी टावर की जानकारी चाहिए होती है। जब पुलिस को फ़ोन के नज़दीकी 3 टावर की जानकारी मिल जाती है तो ऐसे में ट्रायंगुलेशन मेथड काम आता है, जिसकी मदद से अगर मोबाइल पहले टावर से 2 किलोमीटर, दूसरे टावर से 3 किलोमीटर और तीसरे टावर से 2.5 किलोमीटर दूर है तो पुलिस को मोबाइल का एक सटीक एरिया मिल जाता है। इस एरिया में जाकर पुलिस अपराधी की तलाश करती है। आइए अब आपको बताते हैं कि IMEI नंबर से मोबाइल कैसे ट्रैक करते हैं। जब कभी भी आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने पर पुलिस आपसे मोबाइल का IMEI नंबर अवश्य पूछती है। अगर आपके पास यह नहीं है तो अधिकारी पुराने तरीके से सिम से ही फ़ोन को ट्रेस करती है। लेकिन अगर आपके पास IMEI नंबर है तो पुलिस उसे निगरानी पर रखती है। IMEI नंबर की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यह हर एक डिवाइस में अलग अलग होता है। इसे आप डिवाइस की पहचान भी कह सकते हैं। आमतौर पर पुलिस इसका उपयोग डिवाइस को ट्रैक करने के लिए करती है। चोर मोबाइल चोरी करने के बाद उसमें मौजूद सिम को फेंक देता है। लेकिन अगर उस फोन में वह जब भी कोई दूसरी सिम डालते हैं तो उसकी जानकारी सिम कंपनी को पता चल जाती है, क्योंकि पुलिस पहले से ही सिम कंपनियों को उस IMEI नंबर की निगरानी करने के लिए कहती है। ऐसे में जब भी उस IMEI डिवाइस में कोई नई सिम डलती है तो उसकी जानकारी पुलिस तक पहुंच जाती है। इसके बाद दोस्तों, पहले बताए गए ट्रायंगुलेशन मेथड का पुलिस उपयोग करती है। वैसे अगर चोर ने कोई स्मार्टफोन चोरी किया है तो उसे ट्रेस करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि स्मार्टफोन में इंटरनेट और जीपीएस की सुविधा रहती है, तो इससे पुलिस को काफ़ी आसान हो जाता है स्मार्टफोन को ट्रैक करना। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि पुलिस मोबाइल को कैसे ट्रैक करती है। देखा जाए तो ट्रायंगुलेशन मेथड काफ़ी पुराना हो चुका है। काफ़ी समय से पुलिस इसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, आने वाले समय में आपको इसके लिए और भी एडवांस तरीके देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आज की यह जानकारी आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक साबित होगी। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और
अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को इतना फैला दें ताकि कोई भी किसी का फोन चुराने से पहले 100 बार सोचे। दोस्तों अगर आप कोई और भी किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको यह वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे MTD न्यूज़ चैनल के साथ। तो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नई जानकारी के साथ।